हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत खुश और स्वस्थ होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गेहूं के आटे का ऐसा टेस्टी नाश्ता। अगर आपने एक बार ये नाश्ता अपने घर पे ट्राई कर लिया ना, तो सच कहती हूँ इतना आपको पसंद आएगा। हर बार नाश्ते में आप यही बनाएंगे। तो आइए हम इसे जल्दी से बनाना स्टार्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 1.5 कप गेहूँ का आटा, लेकिन आपको आटे को पहले अच्छे से छान लेना है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा छोटा चम्मच हम इसमें डाल देंगे ओरिगेनो और 2 हरी मिर्च। साथ में हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और आधा छोटा चम्मच नमक का, यानी कि स्वाद अनुसार आप इसमें डाल दीजिए नमक। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर। साथ में हम इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे गर्म मसाला और साथ में हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा हरा धनिया। और अब हम क्या करेंगे, इसमें हम डाल देंगे आलू को। तो यहाँ पे 2 मीडियम साइज के हमने आलू लिए थे और आलू को हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया था, तो इसे भी हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद हम इस सब को अच्छे से कर लेना है मिक्स। तो यहाँ पे आप हाथों से ही इस सब को अच्छे से कर लीजिएगा मिक्स। यहाँ पे सारे मसाला और आटा और आलू अच्छे से हो गए हैं मिक्स। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे 1 चीज क्यूब और इसे भी हम ग्रेट करके अच्छे से इसमें डाल देंगे। दोस्तों, चीज डालने से इस नाश्ते का फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा और ये नाश्ता बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। तो अब हम क्या करेंगे, चीज को और आटे को अच्छे से कर लेंगे मिक्स। दोस्तों, ये रेसिपी आप ज़रूर अपने घर पे ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी और यम्मी बनती है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हमें इसका एक डो लगा लेना है। तो ये देखिए, तो यहाँ पे डो अच्छे से लग चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 चम्मच इसमें डाल देंगे तेल और इस आटे को हमें अच्छे से मसल लेना है। तो ये देखिए, बस आपको इसी तरह से ये आटे को अच्छे से मसलना है। मसलने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम 1 लोई तोड़ लेंगे और हमें इस तरह से इस लोई को कर लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हमें अच्छे से पेल लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे हम लोई के ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा सूखा आटा, यानी कि गेहूं के आटे को ही आपको डालना है। इसे डालने के बाद हमें इसे रोटी की तरह बेल लेना है, लेकिन यहाँ पे रोटी हम जिस तरह से पतली बेलते हैं, यहाँ पे हमें इसे पतली नहीं बेलना है, थोड़े से हमें इसे मोटी बेलेंगे। तो ये देखिए, बस आपको इसी तरह से इसे बेल लेना है। दोस्तों, ये नाश्ता जितना देखने में भी सुंदर है ना, उससे ज़्यादा तो ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो आप ये नाश्ता ज़रूर अपने घर पे ट्राई कीजिएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी साइड से हम इस तरह से कट कर लेंगे और इस रोटी को हमें चौकोर के शेप में ले आना है। अगर आप चाहें तो आप पिज्जा कटर से भी इसे कट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे चाकू से इसे कट कर रही हूँ। तो अब आपको क्या करना है, इसे साइड में उठा लेना है आटे को और इसे फिर से हम लोई में मिक्स कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम इसे इस तरह से कट कर लेना है। ये देखिए, तो यहाँ पे आपको इसे भी चौकोर में कट कर लेना है। अगर आपको कोई और भी शेप पसंद हो तो आप किसी और शेप में भी इसे कट कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं इसे चौकोर में ही कट कर रही हूँ। तो अब हम इसी तरह से सारे नाश्ते को हमें बना लेना है। ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने पहले ही तेल गर्म करने के लिए रख दिया था, तो तेल हमारा गर्म अच्छे से हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, नाश्ते को इस तरह से थोड़ा थोड़ा इसमें डालते जाएंगे और इसे हमें हल्का गोल्डन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। और यहाँ पे पहले आपको गैस की फ्लेम को हाई रखना है, उसके बाद जब आप नाश्ता डाल दीजिए तो गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रख दीजिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसे अलटते पलटते हल्का गोल्डन होने तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। तो दोस्तों, आप ये नाश्ता ज़रूर अपने घर पे ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी और यम्मी ये नाश्ता बनता है। आप इसे टमाटो केचप के साथ या हरी चटनी के साथ भी खा के एंजॉय कर सकते हैं। और जब भी शाम को हल्की फुल्की भूख लगे तो आप इसे बना के खा सकते हैं। ये नाश्ता फटाफट से बन जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारा नाश्ता बनके तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं और बाकी के नाश्ते को भी हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा गर्मा गर्म गेहूँ का आटे का नाश्ता बनके तैयार हो चुका है। तो मैं आपको एक पीस तोड़ के दिखाती हूँ, इतना टेस्टी और यम्मी बना है ये नाश्ता। आप इसे हरी चटनी के साथ, लाल चटनी के साथ, टमाटो केचप के साथ भी खा के एंजॉय कर सकते हैं। तो
तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको राधे राधे।